एक समा सी जद पंजाब दे जलंधर शहर नूं एक उद्योगिक शहर मन्या जांदा सी, पर अज उद्योगां दे मामले च इह शहर किते पिछड़दा होया नज़र आ रिहा। इस शहर च किसी समय अलग अलग उद्योगां दीआं कुल 1200 तों वध इकाइयां सी, जबकि अज शहर दे विच इन्हां उद्योगां दी करीब 1200 इकाइयां ही रह गईआं ने। इन्हां उद्योगां चों शहर दे खेड, चमड़ा, हैंड टूल अते रबड़ उद्योग मुख सी। जेकर इकले रबड़ उद्योग की गल करिए तां अज इह उद्योग पहलां नालों महज 15% ही रह गया। एक समय पूरे देश का 60% रबड़ दियां कैंची चप्पलां का काम सिर्फ जलंधर च ही हुंदा सी। एक समा ऐसा आया कि यह उद्योग खत्म होने की कगार ते आ गया, पर बावजूद इस दे कुछ लोगों ने इस नूं संभालिया जो अज भी ये काम कर रहे ने। इस काम च कमी आउण दा दूजा कारण सरकार दियां गलत पॉलिसियां भी दसियां जांदियां ने। कारोबारी राकेश बहल का कहना है कि जब इस काम च एकदम कमी आई तो सरकार ने कारोबारियों का हाथ नहीं फड़िया। जे उस समय दियां सरकारां पंजाब च कारोबारियों की गल सुनदियां तो अज ये उद्योग ना ही पंजाब तो खत्म हुंदा ना ही इत्थों बाहर जांदा। जलंधर दी इंडस्ट्री आफ्टर पार्टीशन जो लोग आए इत्थे आके वसे ते लोकां ने ना अराउंड 50 दे विच चप्पलां मैनुअल प्रोसीजर ना बनाने शुरू की, शीट बाहरों ले लेनी जिस वे का कोई स्टैप बना सकन, किसी को कुछ रस्सी सी, किसी को कोई समान सीगा, वो तो स्टार्ट होया जी डोमैसटिक घर के लैवल पर। तो लोगों ने हिम्मत दिखाई, कोई लोड़ सी, लोड़ काम कराउंदी जी, हिम्मत दिखाई, लोगों ने हौली हौली मैकेनाइज करके इन रबड़ चप्पल, हवाई चप्पल बनानी शुरू करती, जिहड़ी बड़ी सिंपल मशीन होंदी सी। उस प्रोडक्शन बहुत कुछ, कोई आदमी 100-200 पेयर बना, 400 पेयर बनाता सी। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ 0 to 400 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨੌਰਥ 'ਚ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਲਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 to 400 ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੁੱਲੀ ਮੈਕਨਾਈਜ ਭੇਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਜੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਸਾਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਜਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਅਪ ਟੂ 90 ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਬਹਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। हमारे पास जैसे लेट्स से ले एक एक आर्ट, मतलब हमारे पास कम से कम 50 आर्टिकल्स हैं। 50 आर्टिकल्स के अंदर, हर आर्टिकल के अंदर कम से कम 6 से 7 साइजेस आते हैं। उसके बाद उसके अंदर हर आर्टिकल में 5 से 6 कलर्स आते हैं। इस हिसाब से हम कहते हैं, देखें तो कहते हैं वी हैव अ होल लॉट ऑफ वैरायटी, जिसको साथ लेके चलना पड़ता है। उसी के हिसाब से कस्टमर हमें हम इन कस्टमर्स को डील कर सकते हैं। और क्या क्या रीजंस आपको लगते हैं? बेसिकली हमारा जितनी जो हमारा डेवलपमेंट का जो हमारा जितने मार्जिन है, हमारे बेसिकली हमारे मार्जिन का पार्ट वो सारा डेवलपमेंट में जाता है। हमें मशीनरीज अपग्रेड करनी पड़ती हैं, कोई मशीन 6 महीने बाद ऑब्सोल्यूट हो जाती है, कोई 1-2 साल बाद कोई ऑब्सोल्यूट हो जाती है। हमारे कहते हैं जितनी डाइज एंड मोल्ड हैं उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हमें अपग्रेड करना पड़ता है हर बार। व्हेन यू गो टू अ कस्टमर वो यही एक्सपेक्ट करता है कि आप नया क्या लेके आए हो, तो हम इसके नए के चक्कर में हमें बहुत कुछ हमें कहते हैं जो हमारा जो मार्जिन वाला पार्ट है उधर इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके अंदर। उस गवर्नमेंट जो ये इंडस्ट्री है सारी, अगर ये हरियाणा में जा रही है, हिमाचल में जा रही है, और अगर ये इंडस्ट्री J&K में जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में क्यों नहीं रह सकती? जो बेसिकली हमारी जो कहते हैं गवर्नमेंट की कंडीशन है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। जो एटमोसफेयर है वो बिजनेस वाला एटमोसफेयर है नहीं यहाँ पे पंजाब में। अब कहीं पे जाके देखो, हरियाणा में बहादुरगढ़ का फुटवेयर पार्क देखो, उन्होंने पूरा का पूरा फुटवेयर पार्क बना दिया है। जयपुर में इटसेल्फ वहां पे भी एक फुटवेयर पार्क है, लेकिन पंजाब में फुटवेयर इंडस्ट्री होने के बावजूद भी एक फुटवेयर पार्क नहीं है। किसी
किसी तरह किसी तरीके का गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है नहीं इंडस्ट्री को ताकि वो साथ लेके चल सके। अगर यही इंडस्ट्री अगर गवर्नमेंट साथ में लेके चले तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। लिविंग इंडिया न्यूज़ दे रही जलंधर तो मनवीर सबरवाल की रिपोर्ट।